नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया स्ट्रेटजी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आज की इस वीडियो में न्यू वैकेंसीज के बारे में बात की जाएगी, एग्जाम्स के बारे में बात की जाएगी, स्पेशल की वैकेंसीज है उनके बारे में बात की जाएगी कि क्या स्टेप लिया जा रहा है, क्या हो रहा है, या जो भी अपडेट मिली है उसके बारे में बात की जाएगी, या आगे हमको क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे पास कॉल मैसेजेस करते हैं, तो सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से एडवाइस या आपके भी जो व्यूज है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSSB के किसी भी एग्जाम की, तो आपको बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि 10 से 15 तारीख 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में 20% ऑफ है। और स्पेशल के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है जो ओनली 300 रुपीज से स्टार्ट है। और इसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में वो आपको नोट्स मिल जाएंगे, और अदर जो नोट्स हैं वो हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। और इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेशल के ओनली 300 रुपीज से स्टार्ट है और अदर 200 रुपीज से स्टार्ट है। तो आप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और नोट्स की जो आपकी सीट है वो बुक कर सकते हैं, क्योंकि बाद में फीस जो फीस है वो बढ़ भी जाएगी। अभी 20% आपको ऑफ मिलेगा फीस में, और इसके बाद जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको हर फीस में 50% ऑफ है, पहले भी था और आज भी रहेगा और उम्मीद है आगे भी रहेगा, क्योंकि हमें उन बच्चों के बारे में भी सोचना, उनके लिए फायदे नुकसान से हमें कोई वो नहीं है, हमें अपना फायदा नुकसान नहीं देखना उन बच्चों के लिए, हमें उनका फायदा देखना है कि उनको फायदा हो। तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो अभी जो कुछ अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि एग्जाम के बारे में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास कि सर एग्जाम कब तक हो सकते हैं। तो एग्जाम के बारे में साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो दिल्ली की के अंदर एग्जाम्स कुछ हुए भी हैं, दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम हुए हैं, और इसके बाद छोटे छोटे कई और एग्जाम्स होने के भी जल्दी ही चांसेस हैं। और सीटेट का भी एग्जाम आपको पता है जल्दी ही होने वाला है, जैसा आपको पता है ये सारी चीज आपको बताऊंगे। तो इसको देखते हुए हम समझ सकते हैं कि एग्जाम आपके कभी भी हो सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग मैंने अग्रवाल सर से भी बात करी थी। तो अग्रवाल सर ने ये मैंने पूछा था कि सर क्या 2-4 महीने लग सकते एग्जाम होने में, तो सर ने यही जवाब दिया था कि देखो एग्जाम अगर बोर्ड चाहे, हो सकता है कि आज नोटिस डाल दे और 10 दिन बाद एग्जाम ले ले, और जैसा भी लग रहा है कि काम वगैरह से सब फ्री है तो हो सकता है कि एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा या कभी भी हो जाएगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन था तो इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बन जाती है कि जैसे दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम हुए थे, तो इसको देखते हुए लग रहा है कि एग्जाम आपके हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसीज कब आ सकती हैं, जो आपके ये TGT वाली वैकेंसीज हैं, और इसके बाद TGT की ही बात करते हैं सबसे पहले। तो TGT वैकेंसीज के साथियों अगर हम बात करें, तो सबसे पहले काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि गेस्ट टीचर बहुत सारे ले लिए तो TGT की वैकेंसीज शायद अब नहीं आएंगी, तो ऐसा साथियों कुछ नहीं है। और TGT की अगर हम बात करें और गेस्ट की अगर हम बात करें, तो गेस्ट टीचर तो हर साल ऐसे लिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे उन्हें रखा जाता है, हटा भी दिया जाता है, रखा जाता है, तो ये तो सब चलता रहता है, इसमें कुछ वो नहीं है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा दुख जरूर है कि अगर आप लोगों के पास आप वैकेंसीज बढ़ा के ले लीजिए, आप गेस्ट टीचर क्यों रख रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी जरूर उठता है और मेरे माइंड में भी उठ रहा है, आप लोगों के माइंड में भी जरूर उठ रहा होगा। इसके बाद बात आती है, लेकिन TGT के बारे में हमने अग्रवाल सर से बात भी करी है और आगे हम एक बार जल्दी ही मीटिंग करने वाले हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ के लिए एक्टिव हो जाइए। और इसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल वाली, तो स्पेशल की अभी इस महीने हियरिंग भी है और सर से जो बात हुई थी, हालांकि सर एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो अभी 15-17 डेज अपने घर पे रहे थे, क्वारंटाइन थे, तो इस वजह से हमने जरूरी भी नहीं समझा कि ऐसे समय में हम सर से ऐसी बातें करें वैकेंसीज वगैरह की, क्योंकि उनका हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है,
क्योंकि एक वैकेंसीज नहीं, वो कितने वैकेंसीज के लिए काम करते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम लोगों को उनके हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अब हम स्पेशल के बारे में सर से जरूर बात करेंगे, और सर उम्मीद है कि जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, और जो भी अपडेट आएगी स्पेशल के बारे में आप लोगों को सबसे पहले बता दिया जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि स्पेशल वाले जो भी साथी हैं एक बार मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट जरूर करें, जिससे हम मिलके कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद तो अगर हम बात करें पीआरटी के बारे में, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो पीआरटी का लगभग क्लियर हो गया है। पीआरटी की वैकेंसी जो है लगभग 4000 के अराउंड जो बताई जा रही है दिल्ली के अंदर, तो वो वैकेंसीज भी आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिल सकती हैं, तो ऐसा पता चल रहा है। हालांकि इस बीच कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ये तो आप 2 साल से बोल रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं बार बार। देखो यार, 2 साल ये गवर्नमेंट जो काम होता है ना, ये हम लोगों को क्या लगता है कि इंस्टेंट कोई भी चीज चाहिए, गवर्नमेंट काम कभी भी ऐसे नहीं होता। आप क्या सोच रहे हो, अगर आज अगर वैकेंसीज भी आ गई ना, तो 1.5-2 साल से पहले आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखें। अगर आज वैकेंसीज एडवर्टाइज निकाल दिया, तो 2-3-4 महीने बाद एग्जाम होगा, उसके बाद 2-4 महीने बाद रिजल्ट आएगा। 1 साल निकाल दिया, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये कर करके 2 साल लग जाते हैं लगभग। तो ये आप भूल जाइए कि हाँ 2 महीने में काम हो जाए, ये सब ये जो कहने वाले लोग हैं ना, उनको शायद पता ही नहीं है सिस्टम का कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, जो हमें अपडेट मिलती है वो हम आपको बताते हैं, और जो लोग हमें दिल से मानते हैं वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं माने वो बाहर भेजें। देखो हम किसी के, भाई बोलते ना, हम किसी के मनोरंजन का सौदा तो है नहीं। तो इसके बाद यही कुछ अपडेट्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और आप मैसेज करके देखो, कॉल प्लीज ना करें, कॉल का मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी करते हैं। तो देखो, मैं भी यार अपनी कुछ क्लासेस वगैरह कराता हूँ, तो उसमें फिर मुझे भी डिस्टरबेंस होता है, और मैं भी यार ये लगाइए मेरा भी अपना कुछ काम धंधा है, तो उसमें डिस्टरबेंस होती है। तो आप मैसेज कर लीजिए जब भी मैं फ्री रहूँ। और हाँ, अगर किसी को कॉल करनी है तो कॉल की जगह वो वॉइस मैसेज कर सकता है, वॉइस मैसेज सेंड कर सकता है, जिसको हम सुन के लगेगा तो हम आपको जवाब दे देंगे। और इसके बाद तो आपको बताना चाहता हूँ, नोट्स के लिए आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आज ही मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स आराम से मिल सके बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे। बाद में चीज जो फीस है वो बढ़ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।